जब मैं भी थोड़ा वो एरोगेंटली सोचता था कि यार नहीं यार सब कुछ तो चल रहा है, वाई शुड आई इवन यू नो केयर व्हाट समवन सेइंग, बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर डूइंग बेटर. बट एट द सेम टाइम आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स वी शुड, एज एन एक्टर आई शुड नॉट रन माई सेल्फ डाउन ऑल्सो. सो नाउ अभी इस वक्त तो आई एम ट्राइंग टू इन्जॉय, आई वॉन्ट टू इन्जॉय जो भेड़िया लेके आएगा, जो सक्सेस जुग जुग लेके आई थी. सो आई वॉन्ट टू जस्ट इन्जॉय दैट. एंड जेन्यूनली आई थिंक क्योंकि मैंने ऑडियंस की आवाज़ सुनी, दैट्स द रीज़न आई वॉन्ट टू डू अ फिल्म लाइक भेड़िया. दैट्स द रीज़न आई वॉन्ट टू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक अमर, वॉन्ट टू वर्क विद अ प्रोड्यूसर लाइक डीनो, यू नो, बिकॉज मुझे भी लगता है कि नाउ एज इंडियन सिनेमा वी आर रेडी फॉर दिस एंड वी आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस, यू नो. मैंने फिल्में की है जहाँ द वी एफ एक्स हैज़ बीन वेरी क्रिंज वर्दी. अभी मैं यहाँ पे बैठ के वो झूठ उस वक्त जब प्रमोट कर रहा था ऑब्वियसली मैंने बोला होगा कि बहुत अच्छा है डेफिनेटली, बट नहीं ये इंसान की फितरत होती है, मतलब उस वक्त तो कोई नहीं बोलेगा, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई कैन से डेफिनेटली दैट देयर हैज बीन क्रिंज वर्दी मोमेंट्स इन द वी एफ एक्स, बट मैंने नहीं किया वी एफ एक्स, तो बट लोग एक्टर मैंने नहीं किया, बट आई कैन जस्ट ट्राई एंड वर्क विद डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हु कैन ब्रिंग अबाउट दैट चेंज. तो अभी मैं अपने आप को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ. हाय दिस इज सुहेल ओवर हियर फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड. इंस्टेंट बॉलीवुड आप भी किसी और कंपनी के लिए काम करते थे, अभी आपने पार्टी बदल ली. वेल वरुण कृति एंड द एंटायर टीम कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, ट्रेलर इज अमेजिंग. भेड़िया की बात करते हैं और जैसे आपने कहा कि इंसान की फितरत होती है, हर एक इंसान में एक यू नो एक भेड़िया छुपा होता है, ऐसी कौन सी चीज होती है जो नो आपका भेड़िया आपको ट्रिगर करता है कभी, बोथ ऑफ यू ऑल, ऐसी क्या बात कभी गुस्सा यू कैन से? अनप्रोफेशनलिज्म, मी आई डोंट नो व्हिच मेक्स मी इरिटेटेड समटाइम्स. भेड़िया इज वेरी प्रोफेशनल बट वो निभाता है अंत तक. आप में नीनू आप काफी ट्रिगर होते हो, आप बताओ. बाद में बताएंगे. आई थिंक जब जबरदस्ती लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं ना, I think that. Hi, this is Pratham from Latestly. I have a question for Deepak Dobriyal, sir. Uh-huh.